अपनी मिसाल आप तसव्वुर किए जाने वाले तलत हुसैन शदीद बीमार और बदकिस्मती से सिर्फ बिस्तर तक ही महदूद होकर रह गए हैं। तलत हुसैन जो उम्र की 80 से ज्यादा बहारें देख चुके हैं, जिन्होंने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा अदाकारी, सदाकारी, आर्ट और फन को दिया है, अब मुख्तलिफ बीमारियों में घिर गए हैं। तलत हुसैन की शरीक सफर रक्षिंदा तलत के मुताबिक बहुत ज्यादा सिगरेट नोशी करने की वजह से तलत हुसैन के फेफड़े कमजोर हो चुके हैं, जिनमें बार बार पानी भर जाता है। फेफड़ों से पानी निकालने के लिए उन्हें कई बार हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और कमजोरी की वजह से वो घर में गिर भी पड़े थे, जिसकी वजह से अब वो व्हीलचेयर और बिस्तर तक महदूद हो चुके हैं। डॉक्टर्स ने तलत हुसैन को घर में ही रहने की तजवीज दी थी। अब इनकी देखभाल के लिए मेल नर्स की खदमात भी हासिल की गई हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो इंतहाई बीमार हो चुके हैं। रक्षिंदा तलत का कहना है कि उनके शौहर ने फन को पूरी जिंदगी दी, अब उनके इलाज पर अच्छा खासा खर्च हो रहा है। अगर हुकूमत का कल्चरल इदारा मदद करना चाहे तो वो इनकार नहीं करेंगी। तलत हुसैन की शरीक सफर का कहना है कि वो किसी से भीख नहीं मांग रही, लेकिन ये अरबाब इख्तदार का फर्ज है कि वो पूरी जिंदगी फन को देने वाले शख्स का इलाज कराए। तलत हुसैन ने सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, हॉलीवुड और बॉलीवुड में भी काम करके शोहरत हासिल की थी। वो डायलॉग बोलने और चेहरे के बनते बिगड़ते तासरात के मुनफरिद और मुख्तलिफ अंदाज की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखते हैं।